नमस्कार दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आम के पौधे में अगर आपको आम प्राप्त नहीं हो रहे और अगर इस तरह से आपको बीमारी है आपके आम के पौधे में, तो इसको कैसे फोकट में इलाज करें इस बारे में बताऊंगा। देखिए इस तरह से ये जो है ना आम के जो है ना बहुत सारे पत्ते निकल आते हैं और सूखने के बाद इस तरह से हो जाते हैं। इसके बाद आपको कोई फल नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो अच्छा है जैसे आपको ये सब लक्षण दिखाई दे तो क्या करना है, एकदम फोकट में घर में थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा लेकिन आपको फल जरूर मिल जाएगा। तो देखिए ये देखिए छोटे छोटे आम के बहुत सारे गुच्छे लग गए, अब इसमें कभी फल नहीं लगेगा, तो इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा। चैनल में नया आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पसंद आए तो लाइक कर लें और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो ये है गुच्छा रोग और इसका मुफ्त में इलाज होगा। तो ये मेरा आम का पेड़ है, देख लीजिए आप। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, तो पूरे पेड़ का जो है ना इसको तोड़ा दिया गया है। तो आप तोड़ सकते हैं इसको, ये देखिए, तो इस तरह से पूरा तोड़वा दिया गया है। तो आपको भी यही करना है, सबसे पहला काम यही है कि इसको तोड़वा दें, क्योंकि हमें फ्री में काम करना है, कोई पैसा नहीं लगना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मैंने अपने आम के पेड़ के सारा जो है जितना जो था ये बहुत सारे जो हैं गुच्छे इन सबको मैंने तोड़वा दिया है, खुद भी तोड़ा है मैंने। तो आपको भी इसी तरह से करना है, देखिए बहुत सारा तोड़ा है मैंने पूरा, करीब जैसे कि आप देख ही रहे होंगे दूर से। तो इस तरह से आपको पूरा तोड़ लेना है और तोड़ के बिल्कुल एक भी फूल बचना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये है आम का पेड़ और अब हमें इसके जो है तने में नीचे साइड आना है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। आगे हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आम के पेड़ को अच्छे से दिखा दूं। ये देख लीजिए आम के पेड़ को अच्छे से, ये देखिए। तो हमें कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है जिसके आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो है करीब 5 इंच इतना इतना हमें जो है इसके ऊपर की छाल निकालनी है। तो मैं आपको निकालते हुए दिखाऊँगा कैसे क्या करना है, आगे प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। तो ये है हमारा आम का पेड़ निचला हिस्सा। तो दोस्तों अब हम जो है इसको कटिंग करना चालू करेंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो हम जो है इसको पतला पतला जो है इसका छिलका निकाल लेंगे इस तरह से, इस तरह से निकालेंगे हम, ये देखिए। तो इस तरह से हमें निकालना है ऐसे, तो जो भी औजार आपके पास हो उसी से निकालें आप। तो मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से निकालना है। तो ये देखिए ये इस तरह से हमको छाल निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे इसकी छाल। चूंकि हमें फ्री में अपने पौधे को ठीक करना है इसलिए हम करते रहेंगे। तो इस तरह से निकालेंगे हम, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए मैंने करीब 8 उंगल तक के जो है कर लिया है। तो 8 उंगल तक के आपको पेड़ का इस तरह से छीलना है, जिसके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आम का पेड़ है तो इसमें जो है 8 इंच तक के बढ़िया सा चारों तरफ से छीलना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से जो है आपको करना है, ये देखिए बढ़िया तरीके से इस तरह से चारों तरफ से आपको देखिए इस तरह से करना। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये है गोबर, गाय का गोबर है तो हमें ताजा गोबर चाहिए। तो ये हमारी औषधि है, दोस्तों ये है मिट्टी। अब मिट्टी में मिलाएंगे हम गोबर, ये देखिए
तो गोबर ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये मैंने छील दिया है, तो अभी मैंने ये जो है पेस्ट बना लिया, अब इसको लगाना है। तो मैं लगाने का तरीका भी दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल इस तरह से लगाना है, बिल्कुल जिससे आपका जो गुच्छा रोग है वो धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आपको लगाना है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो ये मैंने आम के पौधे में अच्छे से लगा दिया है, आप भी लगा दें और मुफ्त में जो है आप जो है अपने पौधे को बचा सकते हैं और फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे कीजिए। और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये जनवरी में तो नहीं करना है लेकिन दिसंबर के पहले आप ज़रूर कर लीजिएगा ये काम। तो इससे आपको जो है जनवरी फरवरी में जो फूल आना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पूरा कीजिए। तो दोस्तों ये मेरा आम का पेड़ है और मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने देखिए इसका ट्रीटमेंट किया है फ्री में और इसका रिजल्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप जो है इसी तरह से इसको आप जो कीजिए, और कोशिश कीजिए कि दिसंबर से पहले और आम जब निकल जाता है पेड़ से उसके बाद जो है आप ये प्रक्रिया करें और आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा, बहुत फल मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आम के पौधे में अगर आपको आम प्राप्त नहीं हो रहे और अगर इस तरह से आपको बीमारी है आपके आम के पौधे में, तो इसको कैसे फोकट में इलाज करें इस बारे में बताऊंगा। देखिए इस तरह से ये जो है ना आम के जो है ना बहुत सारे पत्ते निकल आते हैं और सूखने के बाद इस तरह से हो जाते हैं, इसके बाद आपको कोई फल नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो अच्छा है जैसे आपको ये सब लक्षण दिखाई दे तो क्या करना है, एकदम फोकट में घर में थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा लेकिन आपको फल जरूर मिल जाएगा। तो देखिए ये देखिए छोटे छोटे आम के बहुत सारे गुच्छे लग गए, अब इसमें कभी फल नहीं लगेगा। तो इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा। चैनल में नया है तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पसंद आए तो लाइक कर लें, और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो ये है गुच्छा रोग और इसका मुफ्त में इलाज होगा। तो ये मेरा आम का पेड़ है, देख लीजिए आप।